हेलो गाइस, मैं अनुराग झा नॉलेज प्रोवाइडर चैनल से आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज जो है हम लोग 12th ऑब्जेक्टिव बोर्ड एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जितने भी क्वेश्चंस हैं उसके बारे में डिटेल से चर्चा करने वाले हैं। और आज का जो चैप्टर है वो है आपका क्वेश्चन हिंदी के 50 मार्क्स वाले पोर्शन से आपका जो है मंगर चैप्टर है, जिसके जो राइटर है वो कौन है, राम वृक्ष बेनीपुरी। इसको भी आप याद करिएगा, क्योंकि सीधे सीधे कभी कभी क्या है कि आपको राइटर के नाम ही पूछ देंगे, ठीक है। और दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। आज का क्वेश्चन देख लेते हैं, इससे किसका कैसा क्वेश्चन है देख लिए। पहला क्वेश्चन आपका, मंगर का शरीर कैसा था? तो मंगर का शरीर जो है हट्टा कट्टा था, ठीक है। और दोस्तों, एक चीज़ और याद है यहाँ पे जो है ना, आप लोग ठीक है, इसको जो है आप एक बार में अगर ना याद हो तो 2 बार वीडियो देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन याद हो जाने चाहिए, ठीक है। ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं। चलिए, और मैं आपको भी कहता हूँ, यदि आप वीडियो पहली बार देख रहे हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन प्रेस कर लो, ताकि मेरी आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहे। तो आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, टाइम वेस्ट तो बिल्कुल नहीं करूँगा क्योंकि है ही नहीं समय। चलिए, नेक्स्ट है कि मंगर के कितने बच्चे थे? तो देखिए, मंगर के 2 बच्चे थे, ठीक है। नेक्स्ट याद रखिए, राम वृक्ष बेनीपुरी की कौन सी रचना है? तो यहाँ पे आप मंगर मारिए, ठीक है, क्योंकि मंगर जो है उन्हीं का रचना है। नेक्स्ट है आपका, कौन मंगर कौन था? तो मंगर, देखिए, मंगर एक हलवाहा था, ठीक है। वो हलवाहा था, हलवाहा को क्या करता, खेत वगैरह में काम करता, ठीक है, जोतता है उसी को। चलिए, नेक्स्ट देखिए, मंगर के बारे में कौन सी युक्ति सही है? तो मंगर के बारे में जो है वह आपका घाव सही है, वह परिश्रमी स्वाभिमानी कृषक मजदूर था, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, मंगर के अर्धांगिनी का क्या नाम था? तो अर्धांगिनी का मतलब यहाँ पर पत्नी होता है, ठीक है, पत्नी, वाइफ, वाइफ। तो आपका यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा, भकोलिया, ठीक है। उनकी पत्नी का क्या नाम था, भकोलिया। देखिए, मंगर किस स्वभाव का था? तो मंगर जो है स्वाभिमानी स्वभाव का था, ठीक है, स्वाभिमानी, सेल्फ रिस्पेक्टेड पर्सन था। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है वह आज खाए और कल को मखे, ताको गोरख संग न रखे, यह उक्ति किस पाठ से ली गई है? तो यह जो है मंगर से ली गई है, ठीक है, ये याद रखिएगा, ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, रूठे मंगर को मनाने के लिए लेखक लेखक के कौन गए थे? तो चलिए, रूठे मंगर को मनाने के लिए लेखक के कौन गए थे? तो लेखक के जो है चाचा जी जो है रूठे मंगर को मनाने गए थे। राम वृक्ष बेनीपुरी ने अधिकांश साहित्य रचना कहाँ की थी? तो राम वृक्ष बेनीपुरी ने अधिकांश साहित्य रचना जो है जेल के सलाखों के पीछे की थी, ठीक है, उनको जेल हुई थी। नेक्स्ट देखिए, राम वृक्ष बेनीपुरी की पढ़ाई किस वर्ग तक हुई थी? तो राइटर जो है उनके उनकी जो पढ़ाई थी वो मैट्रिक तक, उन्होंने मैट्रिक की पढ़ाई की थी, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, तो राम वृक्ष बेनीपुरी ने किस पत्रिका का संपादन नहीं किया, ठीक है। यहाँ बिहार बंधु जो है उनकी लिखी हुई नहीं है, बाकी सब जो है इसका मतलब उन्हीं की लिखी हुई है ना। चलिए, नेक्स्ट देखिए, गेहूं और गुलाब तथा माटी की मूर्तें किसकी रचना है? गेहूं और गुलाब तथा माटी की मूर्तें जो है राम वृक्ष बेनीपुरी की रचना है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, मर्दों की अपेक्षा औरतें अपनी परिस्थितियों को सांचे में ज़्यादा और जल्दी ढाल लेती है, उक्ति किस पाठ से ली गई है? तो मंगर से ली गई है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, राम वृक्ष बेनीपुरी का जन्म कहाँ हुआ था? तो राम वृक्ष बेनीपुरी का जन्म मुंगेर जिले में हुआ था, ठीक है। और कलम का जादूगर किन्हें कहा जाता है? तो देखिए, अब यहाँ पे कलम का जादूगर राम वृक्ष बेनीपुरी को, कलम का सिपाही प्रेमचंद को, याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, जो आज का लास्ट क्वेश्चन है, दोस्तों अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ एक बार लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो और चैनल को शेयर करो, थैंक यू। राम वृक्ष बेनीपुरी का जन्म तो 1907 ईस्वी में हुआ था, ठीक है, ये याद रखिएगा, राम वृक्ष बेनीपुरी का जन्म, ठीक है। थैंक यू दोस्तों, आज के लिए इतना ही, फिर आपको नेक्स्ट वीडियो भी मिलेंगे, थैंक यू।